आज हम देखेंगे ऐसे इन्वेंशंस को विच आर समथिंग यू कीप इन योर हाउस और इन योर ऑफिस और इवन योर पॉकेट्स. टुडे वी विल बी लुकिंग एट वेयरेबल्स, समथिंग दैट इज लिटरली एन एक्सटेंशन ऑफ आवर बॉडीज, मेकिंग दीज डिवाइसेस इवन मोर कन्वीनियंट टू यूज. यू थिंक वी शुड कॉल देम? लेट्स कॉल देम इन. लेट्स कॉल देम इन. गुड. फर्स्ट अप इज 18-year-old अक्षय, हूज कम अप विद अ शू दैट कैन सेव आवर लाइव्स. What? I really have to see this. क्यों ना एक ऐसा शूज बनाओ जिसके अंदर एक मेटल डिटेक्टर हो, वो दोनों इंटीग्रेटेड हो और साथ में काम करे. मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने शू मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, मैं मेटल डिटेक्टर की थियोरी क्या है, वर्किंग क्या है, सब समझा और सीखा. सो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन विथ मी ओवर हियर. सो इमेजिन अ शू. द शू कवर इज मेड अप ऑफ लेदर and rubber, which will give protection and comfort. The sole is made up of PVC and rubber, which will provide flexibility and strength. Now take the sole and cut it into the half, and you will see two coils. One coil is transmitting coil and one coil is receiving coil. Got it. The coils will be connected to a CPU or a circuit board. The circuit board will be having a knob. The knob is used for varying the sensitivity of the metal detector, and it will be all powered by a battery of 12 volt or 9 volt. Our next inventor proves that the world's future is in safe hands, because our next inventor is 8-year-old Manishka, who wants to make sure you never get lost. मेरी इन्वेंशन है सेफ्टी बैंड. ये सेफ्टी बैंड क्या करेगा, जब बच्चे को लगेगा आसपास डेंजर है तो वो SOS बटन ट्रिगर करके बजर बजने लग जाएगा. QR कोड होगा जिसमें आप स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, और रात को अगर बच्चे को डर लगेगा तो LED ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगी. कमिंग अप नेक्स्ट इज मैनुद्दीन, अ 17-year-old बॉय हु वांट्स कंप्यूटर्स टू बी मोर एक्सेसिबल. मैं एक दिन अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहा था, देन सडनली टेबल से माउस नीचे गिर गया. तो माउस को उठाने वाला था कि मेरा पैर गलती से माउस से टच हो गया. टच होने के बाद थोड़ा सा माउस मूव हुआ तो मैंने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी मूव हो रहा. उसी टाइम मेरे माइंड में आइडिया है, क्यों ना एक ऐसा माउस डेवलप किया जाए जो पैर से ऑपरेट हो. जैसे जिनके पास हाथ नहीं है या हैंडीकैप लोग हैं वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इसी आइडिया को माइंड में रखकर मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया. इसका नेम मैंने लेग माउस रखा है, बिकॉज ये पैर से ऑपरेट होता है. इसका सेप मैंने सैंडल का दिया है जिससे पैर में इजीली फिट रहे. वाओ. इसका लेफ्ट क्लिक बटन पैर की टो से, राइट क्लिक बटन फिंगर से क्लिक होता है. मैंने स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया है, बट इसको हम एज अ नॉर्मल पीपल भी यूज कर सकते हैं. जैसे कभी कभी दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं तो माउस यूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी हेल्प से हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और साथ में किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना होगा तो इसकी यूज से कर सकते हैं. ओके. इसके अंदर PCB सर्किट का यूज किया है जिससे LED लाइट, अल्ट्रासाउंड सेंसर और क्लिक्स बटन अटैच हैं. माउस के नीचे एक लेंस लगा है जिससे कर्सर इजीली मूव होता है. इसको हम एज अ ब्लूटूथ या USB से ऑपरेट कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट इन्वेंटर फॉर टुडे इज प्रत्यूष फ्रॉम ओडिशा, हु वांट्स टू मेक श्योर दैट वेयरएवर यू आर, यू आर नेवर फार अवे फ्रॉम अ सीट. पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. मेरे घर में मेरे जो ग्रैंडपा हैं उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रहा है. ये सिर्फ मेरे ग्रैंडपा का नहीं, हर एक बुजुर्ग लोगों का ये मन होता है कि मैं आज गार्डन पे बैठूं, मैं आज छत में बैठूं, हर जगह पे बैठूं. तो मेरा जो ये इन्वेंशन है ये है द इजी सीटर. अच्छा. यानी कि जिसमें आप इजी से बैठ सकते हैं. ओके. इजी सीटर को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहले हमारे जो कमर से है कंधे तक, इस पार्ट में हम रखे हैं एक बेल्ट, जो बेल्ट बैठने के समय आपको हेल्प कर सकता है, और यहाँ पे एक सीट जिस पे आप बैठेंगे, और यहाँ पे एक बेल्ट जो आपका जो कंधे है उसको संभाल के रखेगा. वाओ. वाओ. उसके साथ आते हैं लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में हम 2 हुक्स लगा रखे हैं. ये किसके लिए है, आप चाहे जूते हो चाहे चप्पल हो, आप जो भी पहने रखे हैं ये उसमें इजी से फिट हो जाएगा. पट्टी में पूरी की पूरी ठीक से फिट होने के लिए यहाँ पे भी हम एक ऑप्शन रखें, थाइस में 2 बेल्ट है. अगर ये आपका बॉडी में है तो आप कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करके इजी से बैठ सकते हैं. Fantastic. चारों इन्वेंटर्स अपने आइडियाज पैनल को सुना चुके हैं,
बट उनमें से सिर्फ दो जाएंगे आगे हमारी लैब्स की तरफ और दो जाएंगे वापस घर. एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट. You're adding some suspense. Somebody who likes to stand, but also somebody who likes to sit. Oh! Congratulations, Pratyush. All the very Congratulations, best. Congratulations, Pratyush. Congratulations. You're making it to the lab phase. Well done. Thank you, ma'am. All right. Okay, so the next one I have to announce, and I'm going to do it my way. Okay, are you ready? All right, let's do it. Okay, so you have to give me a soundtrack. Can you do a dun, 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 dun? Like musical chairs, and we'll see where I stop. Okay? Ready? Okay. And we have Congratulations. So you have to say with me to the moon. See, with the rocket, you're going to Mars. I'm going to Mars. Yes, you're going to Mars. Congratulations, Manishka. Congratulations. Thank you. Pratyush and Manishka have been selected to build their prototypes in our labs, Makers Asylum in Goa and MIT Institute of Design in Pune. Here, our inventors will get the opportunity to make their dreams a reality by taking their ideas from paper to prototypes. They will have access to all kinds of machines, from a simple hammer to top-of-the-line 3D printer. And the most important tool, guidance from our mentors. I'm Anupama. And I run a makerspace in a fab lab called Workbench Projects. I have been a very strong proponent for arts and tech, and I'm very invested in the space of education. I am in MIT now, and yahan pe lab mein humko product ko design karna hai and final round mein leke jana hai. I will be working at the Maker Asylum Lab, and my mentor is Vaibhav Sir. Hi, I'm Vaibhav Chhabra. I'm a mechanical engineer. I started Makers Asylum about 10 years back with a thought to create a space for people like myself to come together and build things, try out new things, experiment, just for the fun of it. So my innovation is the EG seater. That's helped to seat everywhere and anywhere to a person. Jo chota wala plate hai, that is for our calf. देन हमारे जो बड़ा वाला प्लेट है उसको थाइज में फिट करके और देन उसके ऊपर वाला जो ब्लैक वाला बेल्ट है उसको कमर पे फिट करके आपको पहनना पड़ेगा. हेलो, मेरा प्रोडक्ट एक सेफ्टी बैंड है. ये दो तरीके से काम होता है, एक ऑटोमेटिकली और मैनुअली. जब बच्चा दूर जाएगा पेरेंट्स से तो अलार्म बजने लग जाएगा, और मैनुअली अगर बच्चे को लगेगा कि वो डेंजर में है, वो एक ब्लैक बटन होगा और वो प्रेस करेगा और रात को एलईडी ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी. थैंक यू, गुड जॉब. ऑल राइट मनिष्का, प्रत्युष, आज आप बहुत कूल लग रहे हैं. आपका फैशन स्टेटमेंट भी बड़ा अच्छा लग रहा है जो आप आए हैं इसके साथ. दिस इज योर इन्वेंशन? या. ओह वाओ, नाइस, यू आर वेरी गुड. या. If okay, so is it easy to walk with? Yeah. Okay. So can you walk towards me? Okay. Okay. Yeah. So now, how does this chair work? This is the belt, and these are Velcros. ठीक है. And this. Perfect. Sit. And okay. आप comfortable हो? Yeah, I'm comfortable. Okay. और इसका और एक feature है वो जो rubber. Right. Yeah. उससे slip नहीं होता. Slip नहीं होता. Got it. अच्छा मनिष्का, मैं आपका prototype देखना चाहती हूँ. आप जरा सामने यहाँ पर आके दिखाइएगा. आप हमें दिखा सकते हो बटन्स दबा के? ओह वाओ, वेरी कूल. सो कैन वी स्विच ऑफ द लाइट? या या, देयर वी गो. वेरी कूल. सो साउंड, लाइट एंड लोकेशन एंड पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन. और क्यूआर कोड ये स्कैनेबल है अभी? शुड वी गिव इट अ शॉट? तुम्हें उसका लुक और फील अच्छा लग रहा है? हां, यू डिड. तुमने जो सोचा था तुम करना चाहती हो वो सब इसमें कर लिया तुमने ना? वेरी नाइस. स्कैन करिए एक बार. देयर वी गो. That's super cool. Number. Wow, that's super fantastic. Cool. That's amazing. That is super cool. Good job. Very, very cool. चलो
आहना आप भी बता दो, who is your favorite panelist? Actually, I think इन लोग का सबसे favorite person इधर मैं हूँ. That's because so I'm the most non-judgmental person. I'm literally on your side, guys. Yeah, I agree. You're my favorite. Give me the envelope. Oh, like ta-da. Oh, गया. Yeah, all right then. All right, ready. Okay, what's happening here? Are you guys ready? Are you ready? I am. Look at this. Oh. 3, 2, 1. The winner is Manishka. मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, but I was confident. Challenge अच्छा लगा. I'm very happy that यहाँ से I'm taking a different Manishka with me. Well, there you go. Congratulations. And I'm just very thankful for this new Manishka to me, more expressive.